कैसे आप सब? तो मेरे बेटे, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैसे भी बहुत 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 ही आसान सा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। वैसे कुछ लोग इसको इको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड अगर इंग्लिश में, वो कहते हैं ना, बड़े अच्छे लेवल पे अगर अच्छे तरीके से इंग्लिश बोली जाए, तो भाईजान आपके पास मेरा बेटा ये आता है, एको प्रोनाउंस करते हैं। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम। जल्दी से मेरे बेटे लाइव हो जाया करें, आप लोगों को अपनी क्लास का टाइम का पता है, 4:40 पे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। सम हाउ कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई स्टार्टिंग में टाइम लग जाता है, कभी कभी सिस्टम में इशू की वजह से। तो मेरी जान, टेंथ फिजिक्स में हमारे पास मेरा बेटा टॉपिक आ रहा है साउंड वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, जिसको मेरे बेटे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड आर इको या एको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसको क्या प्रनाउंस करते हैं मेरा बेटा, एको। जैसे कि आप किसी भी खाली या टॉल बिल्डिंग के सामने खड़े होते हो और आपको आपकी आवाज दोबारा सुनाई दे, उसको मेरा बेटा हम एको कहते हैं। वो मेरा बेटा ईसीजी होती है, आपको आपकी आवाज, जैसे क्योंकि पहाड़ पे खड़ा होके वो मूवीज में सिमरन पकारे या जो भी कहे, तो मेरा बेटा वही आवाज़ दोबारा सुनाई देना, आवाज़ का रिफ्लेक्ट, उसको एको कहते हैं। चलिए मेरा बेटा, अब आप लोगों की जो चैट है उसको डिसेबल करने जा रहा हूँ, और उसके बाद नहीं कर दें ये मखलूक खुदा। जी जी मेरा बेटा, ज़रा हौसला रखें, आवाज़ ठीक आ रही है, इसको तो ऑफ करें चैट को प्लीज। चले मेरा बेटा, एको, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, और एको के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं मेरा बेटा। जब हम किसी भी माउंटेन्स के सामने, पहाड़ों के सामने या किसी खाली बिल्डिंग के सामने ऊंची आवाज में पुकारें या बोलते हैं, तो मेरा बेटा आपको अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है, रिफ्लेक्ट बैक होके। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आपको अपनी आवाज दोबारा से सुनाई देती है, रिफ्लेक्ट बैक होके। जैसे कि मैं अगर ये बात कर लूं कि मैं, फर्ज करें, अहमद इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं और सामने आपके पास एक टॉल बिल्डिंग है, एक वॉल है, मैं यहां से ऊंची आवाज में कोई बात करता हूं या फिर यहां पे खड़ा होके क्लैप करता हूं, ताली बजाता हूं, साउंड ट्रेवल करता हुआ इस दीवार के साथ जाकर टकराता है और टकरा के वापस फिर सुनाई देता है। इस चीज को कहते हैं मेरा बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही नाम दिया जाता है मेरा बेटा एको का। अब मेरे बच्चे, ये जो एको है ये हमारे दिमाग में कितने टाइम तक रहती है, वो टाइम मेरा बेटा आपके पास है 0.1 सेकेंड। एको कितने देर तक, इवन कि आपके सेकंड पैराग्राफ में लिखा, द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं एको की, व्हेन अ साउंड is incident on the surface of a medium and bounce back, यहां पे आवाज यहां से travel, first medium से travel किया, यहां से sound travel करता हुआ इसकी surface पे जाके incident होता है, टकराता है, और टकराने के बाद ये दूसरा medium आ गया आपके पास, जो कि दीवार है, wall है, पहाड़ी है, whatever कुछ भी है, उस hurdle के साथ टकराने के बाद आवाज रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है। तो आवाज का पहले मीडियम से जाना, दूसरे मीडियम की सरफेस पे जाके टकरा के वापस आ जाना, पेज नंबर मेरा बेटा 26।
और ये लोग जो अभी तक पेज नंबर पे, मेरा बेटा आपको इतनी अकल और तमीज होनी चाहिए कि आपको ये बात पता हो कि रोज हम किस चैप्टर में या किस टॉपिक की बात, रिफ्लेक्शन ऑफ दिस साउंड मेरा बेटा लॉन्ग में भी आ सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से। सो मेरी जान, एको की डेफिनेशन लिखने लगा था, व्हेन अ साउंड When a sound is incident on the surface of a medium is incident on the surface of a medium when a sound is incident on the surface of a medium it bounces back It bounces back to first medium. When a sound is incident on the surface of a medium, it bounces back to the first medium. This phenomena is called reflection of the sound or echo. This phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड आर एको। यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन, हमारे पास स्पीड ऑफ द साउंड जो कंसीडर कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर में एयर के ऊपर, स्पीड ऑफ द साउंड जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, इन एयर अप्रोक्सीमेट होती है मेरा बेटा 340 मीटर पर सेकेंड। हम अगर एको का टाइम देखें वो होता है जनाब 0.1 सेकंड। मैं एक्चुअली ये चीज कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि मेरे जहां से सोर्स साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है और वो जगह जहां से साउंड ने टकरा के वापस आना है तो मिनिमम कितना डिस्टेंस हो कि हम एको को सुन सकें या एको को प्रोड्यूस कर सकें, एको को सुन सकें या एको को प्रोड्यूस कर सकें। तो टू क्लियर या टू हेयर अ क्लियर एको, the minimum distance between the source of the sound and the hurdle or the other second medium या other medium, तो मेरे बच्चे वो distance calculate करने के लिए like हमें यहां पे s की value चाहिए। मेरे बच्चे s we know very well, s is equal to v multiply by t, 340 multiply by 0.1 answer आ गया जनाब 34 मीटर। कि आवाज कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 34 मीटर मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। इट मींस कि अहमद और वॉल के दरमियान अगर आपने एको प्रोड्यूस करनी है, ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए मेरा बेटा 17, क्योंकि भाई आवाज जाते हुए भी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है और वापस आते हुए भी, तो 34 तो टोटल डिस्टेंस है। एको का डिस्टेंस आपके पास 34/2 है, हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो 34 को 2 पे डिवाइड कर दें। ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाईजान हमारे पास यार ये सारे मेरे ही हैं न्यू। अच्छा भाई, हमारे पास द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द अदर मीडियम आपके पास कितना होना चाहिए, वो मिनिमम डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा बेटा आपको जरूर आना चाहिए। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे मेरे भाई, सो स्पीड ऑफ दिस साउंड आपके पास होती है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, और सेंसेशन ऑफ द साउंड इन ह्यूमन ब्रेन इज 0.1। आप 340 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 34 मीटर। ये एको का डिस्टेंस है, एको जितना डिस्टेंस जाते हुए करती है वापस भी उतना, मीन के 17 जाते हुए 17 वापस आते हुए, टोटल डिस्टेंस आपके पाया
34 मीटर, लेकिन दो पॉइंट्स के दरमियान यही डिस्टेंस अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो एको के डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, एको के डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, एको के डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, एको के डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर ने आपने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स पढ़ी थी, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड को, यही आवाज जब आपको दोबारा सुनाई देती है, आप अच्छी बातें करो या किसी को गाली दो और आपको वही गाली दोबारा सुनाई दे, तो मेरा बेटा डेट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। मेरा बेटा ये डिपेंड करता है कि आवाजें कितनी ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है, कितनी लाउडनेस के साथ, दिमाग में कितनी देर तक रहना, इसकी वैल्यू स्मॉल या ग्रेटर से मैटर नहीं करती। हाँ जी मुसलमानों, यहां तक तो हो गया क्लियर मेरा बेटा। नेक्स्ट, इनकी चैट इधर एनेबल कीजिएगा। जी मेरा बेटा क्लियर है, इसकी जो एक्टिविटी 11.3 उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया तो मेरा बेटा मुझे बता दे। चलिए गुड है मेरा बेटा, क्लियर हो चुका है तो ये मेरा बेटा आपने याद करना है, इसकी डेफिनेशन से डेफिनेशन तो करनी करनी जो सेंटर में लाइंस लिखी हुई हैं, उसके अलावा द सेंसेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन वाला आप लोगों को मेरा बेटा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। उसके बाद टू क्लियर एको, क्लियर एको के लिए जो डिस्टेंस है उसकी नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन है, वो कर देना। समरी ये मेरा बेटा, आवाज जब रिफ्लेक्ट बैक होके वापस सुनाई दे उस रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड कहते हैं, उसको हम एको कहते हैं मेरा बेटा। क्लियर एको सुनने के लिए, क्योंकि हमें पता है स्पीड ऑफ द साउंड होती है 340 मीटर पर सेकंड, अब V की वैल्यू 340 मीटर पर सेकंड है और ये आवाज़ कितनी देर तक सुनाई देती है, 0.1 सेकंड तक एक एको रहती है दिमाग के अंदर, तो टाइम भी है स्पीड भी है, तो एको का डिस्टेंस कि एको ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो 34 मीटर आ रहा था, मिनिमम डिस्टेंस इतना कवर करती है, तो इसका मतलब है 34 मीटर एको का डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को 2 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास जहाँ से आवाज़ पैदा की जा रही है और जहाँ से टकरा के आ रही है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 17 मीटर आ रहा है। इट मींस कि 17 मीटर वो डिस्टेंस है जो चाहिए हमें क्लियर एको सुनने के लिए। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास स्पीड ऑफ द साउंड, जैसे कि हम लोगों ने स्पीड ऑफ द वेव फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसी तरह यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड वेव की बात करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा होती है और कहाँ पे कम होती है। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, ये भी शॉर्ट में ही पूछा जाएगा मेरा बेटा। देखो जो भी वेव हो, सबसे पहली बात तो ये है कि उसके लिए मेरा बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करने का, स्पीड ऑफ द साउंड का जो फार्मूला हमारे पास है मेरा बेटा वो है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमारे पास मेरे बेटे ये चीज याद रखिएगा, स्पीड ऑफ द साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद मेरा बेटा लिक्विड्स में आती है, और सबसे कम जो स्पीड ऑफ द साउंड होती है मेरा बेटा वो गैसेज में होती है। स्पीड ऑफ द साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन इन लिक्विड आर इन गैसेज। गैसेज के मुकाबले में अगर कंपेरिजन किया जाए तो साउंड की स्पीड 15 टाइम्स गैसेज के मुकाबले में ज्यादा होती है, मतलब एयर के मुकाबले में। इसी तरह अगर लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड की जो स्पीड है मेरा बेटा वो हमारे पास फाइव टाइम्स होती है देन इन गैसेस। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 27 पे
पेज 27 पे अगर आप देखें तो राइट साइड को आपके टेबल नजर आएगा, वहां पे स्पीड ऑफ द साउंड देखो, हमारे पास सॉलिड वुड एल्यूमिनियम ब्रास निकल आयरन गिवन है। यहां पे सॉलिड पे 25 डिग्री सेल्सियस पे हजारों में वैल्यूज आ रही होगी साउंड की स्पीड, लिक्विड में इससे थोड़ी कम, लेकिन गैसेस में स्पीड ऑफ द साउंड सबसे कम होती है। ये चीज मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, स्पीड ऑफ द साउंड इन लिक्विड्स 5 times दैट इन गैसेस एंड इन सॉलिड 15 times इन गैसेस। पेज नंबर 27 पे फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन इन जनरल द स्पीड ऑफ द साउंड इन लिक्विड इज 5 times दैट इन गैसेस एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 times दैट इन गैसेस 15 times दैट इन गैसेस एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इज अफेक्टेड बाई चेंज इन सम फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी एटसेट्रा। एंड लास्ट में लिखा हुआ है फॉलिंग रिलेशन कैन बी यूज, आपके पास किसी भी तरह की वेव आए मेरे बच्चे, ये रिलेशनशिप हर वेव की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वी नो वेरी वेल वी इज द स्पीड, एफ इज फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज वेवलेंथ। सो मेरे बेटे यहां तक अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो मेरा बेटा बता दें, दो टॉपिक्स हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड एंड स्पीड ऑफ द साउंड हो गए। कल इंशाल्लाह मेरा बेटा हम जो नेक्स्ट टॉपिक है एको मेथड से स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करेंगे, एको से स्पीड ऑफ द साउंड। आज हमने स्पीड ऑफ द साउंड और टाइम से डिस्टेंस कैलकुलेट किया, कल हम एको मेथड से ही इसके डिस्टेंस की मदद से स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करने की टेक्निक और उसके तरीकाकार की बात करेंगे। मेरा बेटा मैं दोबारा से ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे पास सेकंड टॉपिक था स्पीड ऑफ द साउंड, मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लिख दिया कि भाई आपके पास सॉलिड में स्पीड ऑफ द साउंड सबसे ज़्यादा होती है। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे किसी किस्म की कोई एयर मौजूद ना हो, एब्सेंस ऑफ एयर, देयर इज नो एयर, दैट इज कॉल्ड द वैक्यूम। सो सॉलिड में स्पीड ऑफ द साउंड सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे कम हमारे पास मेरा बेटा गैसेस में होती है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, द स्पीड ऑफ द साउंड इन लिक्विड 5 times डेट इन गैसेस एंड द स्पीड ऑफ द साउंड इज 15 times डेट इन गैसेस इन सॉलिड। जी मेरा बेटा आप शॉर्ट में ही करें। और कल वाला जो टॉपिक है मेरा बेटा मयरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड, वो लोग भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नॉइस पोल्यूशन वाला आएगा। जी किरण चौधरी है जो भी है मेरा बेटा, अब जरा मुझे बताएंगे कौन सा पॉइंट मेरा बेटा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। बाकी ऐसे जिन लोगों को क्लियर है मेरा बेटा वो क्लियर का कमेंट कर दे। ये डिफरेंट वेरी कर सकता है मेरा बेटा, कंडीशन ऑफ द ह्यूमन एयर पे भी डिपेंड करता है, बट यहाँ पे जो एको का टाइम बताया गया है, एक जो इस इंसान को ऊंची सुनाई दे या कम सुनाई दे, वो टाइम की बात की गई है, वो आपके पास मेरा बेटा 0.1 सेकंड है। जी मेरा बेटा कुछ सेकंड्स का टाइम आप लोगों के सामने रह चुका है, फिर उसके बाद आपका टेस्ट एंड हो जाएगा और उसके बाद मेरे शहजादो फुल बारिश है सर। अच्छा यार मैं तो क्लास में हूँ, मुझे तो ऐसे घर से टेक्स्ट आया तो पता चला। जी मेरा बेटा जी मेरा बेटा आप लोगों में जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आपके सामने आ चुका है, आप भी मेरा बेटा उसको देख सकते हैं, मैं भी ज़रा देख लेता हूँ। जी हसन, अशर, उमर, शावेस, हिफ्जा, वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट, अहमद, अब्दुल्ला,
बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा, पूरे नंबर तैयबा पूरे नंबर हैं, शिमजा 5/5 पूरे नंबर आ रहे हैं, जुनैरा 5/5 पूरे नंबर आ रहे हैं। तो मेरा बेटा बहुत अच्छी बात है, जो लोग कोशिश करते हैं अटेम्प्ट करते हैं पूरे नंबर आते हैं। मेरा बेटा आप लोग भी मेरे बच्चे ट्राई किया करें, किसी में कोई मिस्टेक ना हो, कोशिश करें। बुशरा वेरी गुड मेरा बेटा, आपके भी पूरे हैं। हाँ वेरी सॉरी अगर सम टाइम किसी का नाम ना ले लिया करूँ तो ज़्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है। अब मेरे शहजादो इससे रेलिवेंट किसी किस्म का कोई सवाल पूछना रह गया है तो आप लोग मेरा बेटा पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 समझा दें। अच्छा जी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है और क्या मुश्किल। आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा एमसीक्यूज था जो कि आपके लिए मुश्किल हो। खैर मैं वन बाय वन सबके आंसर ही बता देता हूँ। 1 bell इज इक्वल टू 10 decibel। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मोस्टली क्लोज रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड। यहां पे तीनों में डायरेक्टली रिलेट वो एम्पलीट्यूड के साथ करते हैं कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाउडनेस ज्यादा होगी। अब्दुल्ला साहब द पिच ऑफ द साउंड मोस्टली डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेट साउंड बाय इट्स पिच। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ दिस साउंड। जी मुसलमानों हो गया मेरा बेटा। जी मेरे शहजादो क्लियर हो गया मेरा बेटा। बोलते हैं वहां पर तो हमारा डिस्टेंस 17 नहीं मेरा बेटा, मैंने मिनिमम डिस्टेंस की बात की थी अब्दुल्ला, मिनिमम डिस्टेंस 17 होना चाहिए जहां से आपकी आवाज रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही होगी उस तक आपका डिस्टेंस मिनिमम 17। इट डजेंट मीन कि आप जब एक बिल्डिंग के पास बोलते हो तो सामने वाले कमरे से आवाज रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रही होती है।